गाइस बोलिए गाइस। चलो फाइनली अपन शेगांव निकल रहे शिरडी के लिए, चेक आउट कर लिए अभी। अरे छोड़ो बैग। चलो तो भाई अभी हम निकलते हैं यहाँ से, अब सीधा जाएंगे यहाँ से रेलवे स्टेशन। भाई अपन अभी जा रहे हैं शिरडी, बेगाव से निकल रहे कोपरगाँव। कोपरगाँव में अपन पहुँच जाएंगे गाइस करीबन रात में 2 बजे। वहाँ से अपन रुद्र सूर्या होटल में रिसोर्ट में रुकेंगे। तो गैस अभी हम लोग यार कोपर गांव पे पहुंच चुके हैं। सो गैस कोपर गांव पे पहुंचने के बाद ये हमको ऑटो में इन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट से जो है हमको बिठा के रखा है, बोला है कि जब सेकेंड वाली जो ट्रेन है वो आएगी तब हम आपको लेके जाएंगे। मतलब अभी ऑटो में हम लोग पूरे 13 जन है, फिर भी वो बोल रहा कि और दो बिठाने का क्या करना है। बहुत लेट हो रहा है यार, आप देख सकते हो अभी सुबह के 5:30 कुछ बज रहे हैं अभी यहाँ पे, और हमको आज गुरुवार का दिन है तो साईं बाबा के दर्शन करने का है। बहुत लेट हो गया, ये लेट होने के कारण दिमाग खराब और ये घंटू लेके सीट के लिए रोना अलग। तो गाइस अभी हम लोग जो यहाँ पे शिरडी के लिए अभी निकल रहे हैं, बस अभी वो ऑटो वाले भैया आ चुके हैं फाइनली। तो अभी हम लोग शिरडी के लिए निकल रहे हैं, बोलो ओम साई राम। चलो गाइस फाइनली जो है अभी ऑटो छूट चुका है और अभी हम लोग जो यहाँ से निकल चुके हैं कोपर गांव से शिरडी के लिए। ये बहुत कॉस्टली ऑटो है गाइस। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अभी शिरडी में, थोड़ी देर बाद मैं गेट दिखाने वाला हूँ, लेकिन हम अभी मंदिर नहीं जाने वाले, बाद में जाने वाले। फाइनली हम लोग यहाँ पे श्री श्रद्धा होटल में हम लोग जो है पहुँच गए, श्री साई श्रद्धा होटल में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सो अभी देखते हैं, बहुत सही व्यू आ रहा है और इधर पे फाइट चाचा पति इधर पे अपनी फैमिली है गाइस, वो अभी बैग्स निकालेगी ऊपर से। अरे 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 मैं क्या बोला हरदीप, बोला अभी होटल का व्यू तो दिखा। हाँ अरे 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 सो गाइस अभी होटल में जो है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग यहाँ पर होटल में पहुँच चुके हैं, एक नंबर व्यू आ रहा है होटल का। भैया अभी हम आ चुके हैं होटल के अंदर, सब वेटिंग कर रहे हैं, रूम की अगर की मिलती है तो हम अभी ऐसे निकल जाएंगे और सो जाएंगे सीधा सीधा। तो भैया अभी हम आ चुके हैं होटल के अंदर, आ चुके हैं, हम सोने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा आपको, अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से सोया नहीं हूँ ढंग से, अभी सो रहा हूँ मैं। ठीक है छोटे बच्चे। हाँ गाइज देखो दोनों कैसे सोए हैं, चिपक चिपक के, और ये देखो नहा के आया, ये दूसरा भी नहा के आया, नहाने को जाने को वेटिंग पे बैठे ये।
हाय गाइस चलो रे बच्चा पार्टी चलो ए उड़ी ने मारू पड़शी बराबर चलो चलो चश्मा लाओ चश्मा लाओ भैया अभी मैं सो के उठ गया अभी रेडी होता हूँ फिर चले जाएंगे दर्शन के लिए बाकी सब रेडी हो चुके हैं मैं अकेला बैठा हुआ ये हार्दिक है रेडी हो जाता हूँ जरा जल्दी से ठीक है मिलता थोड़ी देर बाद तो भैया अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए जाना ये देखो ये सो ही रहता है ये सबसे पहले चाय पीने के लिए जाना चलो तो अभी नीचे जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं हम यहाँ से गाड़ी से अब सीधा मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं भैया अभी यहाँ से निकलते ठीक है टाटा मैजिक में सब जन एडजस्ट हो जाएंगे हेलो गाइस अभी फाइनली हमारा डिसाइड हो गया गाइस थीम पार्क जाना है शिर्डी का अभी निकल दे भैया ठीक है चलो आने का 70 रुपए सीट लिया था अच्छा सिपर हेड के साथ सीट हाँ, के साथ पर सीट के साथ चलो मैं बात करके आपको बताता हूँ मनमान वाला कोई रात उसको ये बोलना पड़ेगा रात का टाइम यही बुलाना पड़ेगा उसको अच्छा फोन नहीं उठाया फोन नहीं उठा इसीलिए मैं बोला आपसे बात की कोई जाना माना आपको बुलाऊंगा जो रेगुलर आने वाला होगा ना बोला रात के टाइम में कैसा कोई सो जाता नहीं रास्ता है लेकिन वो ब्रिज के नीचे से है तो पानी आता है
रेलवे स्टेशन है ना? ये रेलवे स्टेशन प्रसादालय चले जाओ, प्रसादालय साईं बाबा का प्रसादालय, अच्छा वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे साईं तीर्थ कहाँ पे? साईं तीर्थ थोड़ा अंदर है। हेलो, अपन आप शिव तीर्थ जा रहे हैं शिरडी का, वहाँ से अपन साई प्रसादालय जाएंगे और वहाँ से साई श्रद्धा शबरी मंदिर शिरडी 6 बजे दर्शन के लिए जाएंगे। और भैया कुछ बताओ ना शिरडी के बारे में। बस शिरडी में सर अभी आप यहाँ से निकलो, साई तीर्थ देख लो, फिर इसके बाद बाबा का भोजनालय देखने जैसा है, वहाँ प्रसाद ले लो, उसके बाद आप मंदिर में चले जाओ। महाप्रसादालय, महाप्रसादालय बाबा का है ना, वो देखने जैसा है, वहाँ पे आप प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद फिर आप यहाँ आ जाओ, मंदिर चले जाओ, दर्शन कर लो, 2-2.5 घंटे में सब पूरा हो जाएगा, दर्शन, बाहर का एरिया, द्वारका माई, चौड़ी देवी, ये सब घूम लो। अच्छा, तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे, ये सीधा जा रहा लेफ्ट से राइट साइड जो जा रहा है नासिक। शिव तीर्थ में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेगा। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये शिव तीर्थ कहाँ पे आएगा? ये सामने आएगा। अच्छा, नजदीक है नजदीक आएगा। आप पहले प्रसादालय दिखाते हैं आपको, ये सब कि आप साई तीर्थ होने के बाद आप प्रसादालय आ जाना, क्योंकि अभी आपकी 10-1 बज जाएगा, आने का समय हो जाएगा। हाँ, फिर आप खाना भी खाना वहाँ खाओ। कितने बजे तक खाना रहता वहाँ पे? सुबह 10 से रात 10 बजे चालू। अच्छा, वहाँ पे 2 टाइप की व्यवस्था है, एक नॉर्मल है और नीचे हॉल है पूरा, और दूसरा एक VIP है, बस 50 रुपए की टिकट है, चलता है और नीचे का फ्री रहता है, वो दोनों अच्छी व्यवस्था है। ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। और सर उसके बाद जो आप बोल रहे थे और क्या बोल रहे, क्या है उसके बाद? आप मंदिर जाओगे तो 2 नंबर गेट से आपको दर्शन में लगना है, एक गेट 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट से लगोगे तो वो फ्री पास, फ्री दर्शन है। और अंदर कुछ चढ़ाने का तो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, फूल माला ये सब आप प्रसाद वगैरह ले जा सकते हो जी। और वहाँ से फिर आप दर्शन करके निकलोगे तो द्वारका माई, चौड़ी देवी, हनुमान मंदिर, वो बिल्कुल कंपाउंड पे ज्वाइन है। अच्छा, हाँ वो आप देख लो, हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप जब दर्शन करके निकलोगे तो बाबा का नीम का पेड़ मिलेगा, वो देख लेना, उसके सामने बाबा का वो संग्रहालय है, बाबा जो सामान यूज करते थे वो देखने को मिलेगा। अंदर छोटा शनि मंदिर, गणपति मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, वो भी देख लेना। लग के ना? हाँ लग के। और बाबा का वो लेडी बाग, बाबा का जो गार्डन पेड़ वगैरह गार्डन लगाए थे ना, वो देखने को मिलेगा। वो देख के फिर 3 नंबर गेट से बाहर निकल जाना। अच्छा, ये बाहर निकलोगे तो सामने हनुमान मंदिर, द्वारका माई, चावड़ी देवी, ये रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बोर्ड लगा है ब्लू कलर का, यहाँ से आपको आना रहेगा ये रास्ते से। अच्छा, फिर आपको वो मंदिर एरिया है। हाँ, वो मंदिर एरिया है, ये भी वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना है, आप आ सकते हो। हाँ, जब होटल आना है तो हमको कॉल कर दो, जहाँ भी रहना जी जी बताना, हम आ जाएंगे जी। उधर से भी रास्ता है शॉर्टकट, लेकिन बस ये आपको दिखा दूँ, आपको इधर से आना रहेगा। हाँ, वॉक करके आ सकते ना? हाँ इतना है, आप वॉक से भी आ सकते हो या रिक्शा से आ सकते हो। मंदिर जाना है तो सीधा मंदिर जा सकते हो, लेकिन अगर प्रसादालय आना है तो इधर आना रहेगा। अच्छा अच्छा, तो प्रसादालय चले जाएंगे वहाँ से, फिर वहाँ से फिर जाना। भैया भैया देख लो, साई तीर्थ में पहुंच चुके हैं हम, थीम पार्क शिरडी। अरे बाप, 5,000 रुपए, 5,000 किस रेट मिले?
टॉक टॉक 5000 दिसु राहिले 5000 दिसु राहिले 5000 50 5000 हां कसा हिशोब लावला का हां आपण जाजा नाही जेने दादा इमर्जन्सी वाले जे घरून हाऊसून आले त्याचे तिकीट काढा ते लगेच झाले जे जे हाऊसून आले ते चालले जा पैसे लागन तुम्ही देऊन देईन काय वांदा नाही चलो खतरनाक व्हील है भाई देख लो साई बाबा गाइस गाइस अब अभी फाइनली सब लोगों का डिसाइड हो गया है क्या खाना क्या नहीं खाना, इसलिए कुछ लोगों ने पूरी भाजी बुलाई है गाइस, कुछ लोगों ने डोसा मसाला डोसा और कुछ लोगों ने इडली, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे नाश्ते का साउथ वाले के हाथ से मिल रहा है, अच्छा मिलेगा ये हमारी आशा है। अभी खाने के बाद क्या है तो तमन्ना हमें के अच्छा मिले इडली सांभर पूरी भाजी तो टाइम आएगा मीना हम साउथ रेस्टोरेंट में है देख लो पानी ये मार सकते हैं इससे पानी साउथ टोटल साउथ इंडियन है। तो भैया अभी ये लोग जा है जा रहे हैं घोड़ा राइड पे हॉर्स राइड। तो भैया अभी हम लोगों का नाश्ता चाय सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो साउथ इंडियन था तो वहाँ पे मैंने क्लिप नहीं ली, फिर भी देखो अभी ये घोड़ा राइड पे आया है। चलो देखो इस इन लोगों की हॉर्स राइड हो चुकी है, अभी दीवान शोर आरू है उसके ऊपर।